दोस्तों, सोने से हम इंडियंस का लगाव सदियों से चल रहा है, लेकिन एक शख्स ने सोने को ऐसा ओएमजी रूप दिया है कि हम खींचे चले आए हैं सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर। मिलने अपने मिनिएचर आर्टिस्ट नंबर वन से, जो अपनी ओएमजी क्रिएटिविटी के दम पर आम चीजों के छोटे और चमचमाते वर्जन्स बना रहे हैं, मिलिए इकबाल सक्का जी से। इकबाल जी ने अपना पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1988 में, जो थी वर्ल्ड्स लाइटेस्ट गोल्ड चेन। आमतौर पर 15 इंच लंबी गोल्ड चेन का वजन होता है 2 से 4 ग्राम, लेकिन इकबाल जी ने इतनी ही लंबी 580 कड़ियों वाली चेन सिर्फ 600 मिलीग्राम में बना डाली। OMG! लेकिन सर जी, ये मिनिएचर आर्ट बनाने का सुनहरा आइडिया आपको आया कहाँ से? बहुत से ऐसे न्यूज़ें आती थी, फॉरेन की भी होती थी, कि भाई अमेरिका वालों ने एक बहुत बड़ा केक बनाया है। वहीं से मेरा एक जुनून सवार हो गया, यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। अक्सर लोग नाम कमाने के लिए कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, जिसके लिए चाहिए ढेर सारे रिसोर्सेज। वहीं इकबाल जी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचने का फैसला किया छोटी छोटी मिनिएचर आर्ट से, और शुरू हुआ 90 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने का सुनहरा सफर। इकबाल जी हुनर का जौहर दिखाते गए और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे प्रेस्टीजियस अवार्ड्स अपने नाम करते गए। दोस्तों, इकबाल जी का हर मिनिएचर आर्ट एक से बढ़कर एक है। ये देखिए, बॉटल के ढक्कन से भी छोटी मिनिएचर यूटेंसिल, रेगुलर सेफ्टी पिन के 1/8 साइज का छोटा सा इकतारा, कहीं भी फिट होने वाले 22 मिलीमीटर के कॉइन से भी 5 टाइम्स छोटी सिर्फ 6 मिलीमीटर की छुटकू किताब। क्यों है ना OMG? उस पर सोने पे सुहागा ये है कि इकबाल जी की ज्यादातर क्रिएशंस का इंडिया से कनेक्शन होता है, और इनमें एक मैसेज भी छुपा होता है। अपनी जो चेनों की जो बात कही, उस वक्त अपने देश की भाषाएं 15 भाषा थी जो मान्यता प्राप्त थी, तो मैंने उसको 15 इंच रखा। तो मैंने कहा यार, इसमें कुछ नया लाना चाहिए अपन को, तो मैंने क्या भारत का नक्शा बना के पेश करा। और आज इकबाल जी हॉकी को दे रहे हैं OMG ट्रिब्यूट। ये बना रहे हैं 60 इंच लंबी हॉकी स्टिक का सिर्फ 3 मिलीमीटर लंबा मिनिएचर वर्जन। चलिए इनके बेमिसाल हुनर का लाइव एक्सपीरियंस लिया जाए। गोल्ड के अमेजिंग मिनिएचर आर्ट को बनाने के लिए इकबाल जी को बेहतरीन फोकस और जबरदस्त पेशेंस की जरूरत पड़ती है। सोने को हम पिघलाते हैं, कोई भी हम चीज बना रहे हैं उसमें आकार डालते हैं, हथौड़े से हम उसको पीट पीट के तो उसका आकार बनाते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, जैसे काती प्लास का वापरते हैं, उसके बाद उसको शेप देते हैं। वेल्डिंग करते हुए इकबाल जी को चाहिए सही टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रिसिजन, वरना गोल्ड से बनाए ये टाइनी पार्ट पूरी तरह पिघल जाएंगे और शेप खराब हो जाएगी। और भैया, हर पार्ट इतना छोटा होता है कि गलती से गिर जाए तो ढूंढना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इकबाल जी, आप अपने आर्ट में गोल्ड ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि चांदी का जेवर बनाने में क्या, थोड़े दिन बाद वो काला पड़ जाता है, और ये बहुत छोटे हैं, और सोना एक ऐसी चीज है कि जो कभी काला नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने सोने को चुना। छोटे से शहर में बैठे अपने छोटे छोटे आर्ट पीसेस से इकबाल जी ने साबित कर दिया है कि कुछ बड़ा करना ही OMG नहीं होता, छोटी चीजों से भी बड़ा धमाका किया जा सकता है। मैं इतनी छोटी चीजें इतनी बना देना चाहता हूँ, फॉरेन में जिक्र किया जाए कि यार, सबसे छोटी अगर कहीं सोने की चीजें हैं तो वो है हिंदुस्तान में, उदयपुर राजस्थान के अंदर। इनकी जबरदस्त सोच और हुनर को OMG करता है सलाम।